वंदना का बड़ा बयान सामने आया है। प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर बड़ी घोषणा उनकी तरफ से की गई है। उपचुनाव में अगर एक सीट भी बीजेपी जीतती है तो उसी दिन मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ये बड़ा बयान अशोक चंद्रा की तरफ से। प्रदेश में हुए 6 उपचुनाव में से 5 में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। आने वाले दोनों उपचुनाव में भी कांग्रेस ही जीत हासिल करेगी। तो ये बड़ा बयान खेल मंत्री अशोक चांदना की तरफ से। आज जन्मदिन के मौके पर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में से एक पर भी बीजेपी अगर जीतती है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। खेल मंत्री अशोक चांदना का बड़ा बयान, प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर उनका ये बड़ा बयान। उपचुनाव में अगर एक सीट भी बीजेपी जीतती है तो राजनीति छोड़ दूंगा। ललित वर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हैं। ललित, ये वाकई बड़ा बयान, एक तरफ जो हाँ एक दूसरे को जीत हार को लेकर बयानबाजियां होती हैं खासतौर पर उपचुनाव में, लेकिन अब ये सीधे अपने आप में एक बड़ा बयान माना जाएगा कि बीजेपी एक भी सीट जीतेगी तो राजनीति छोड़ देंगे। बहुत ज्यादा आश्वस्त नजर आ रही है, ओवर कॉन्फिडेंस है। बिल्कुल, आपको बता दें कि खेल मंत्री अशोक चांदना ने अपने जन्मदिन पर यह बड़ी घोषणा की है कि जो आने वाले समय में राजस्थान में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, यदि इन दोनों उपचुनाव में से एक भी सीट पर बीजेपी जीतती है तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे। ये एक बड़ा बयान दिया है खेल मंत्री अशोक चांदना ने। साथ ही इसके पीछे का कारण भी ये बताया है कि जो राजस्थान में अब तक 6 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं उसमें 5 में से कांग्रेस ने जीत हासिल की है तो एक बीजेपी के खाते में गई है, लेकिन अब जो दोनों ही सीटों पर धरियावद और वल्लभ नगर में जो चुनाव होने हैं उसमें कांग्रेस जीत हासिल करेगी। अगर राजनीतिक मायनों से देखा जाए तो धरियावद की सीट पर अभी भी एक पेच फंसा हुआ है। हालांकि माना जा रहा है कि वल्लभ नगर में कांग्रेस की जीत को निश्चित माना जा रहा है, लेकिन धरियावद की जो सीट है वहां पर थोड़ा सा कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। ऐसे में खेल मंत्री अशोक चांदना द्वारा दिया गया ये बड़ा बयान कि यदि दोनों में से एक सीट भी बीजेपी जीतती है तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे और जन्मदिन पर यह बड़ी घोषणा करता हूं, तो ऐसे में अब आने वाले समय में उपचुनावों को लेकर थोड़ी सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि खेल मंत्री अशोक चांदना का और कॉन्फिडेंस भी ये कहा जा सकता है कि उनको पूरी तरीके से और कॉन्फिडेंस है कि दोनों ही सीटों पर कांग्रेस जीत हासिल करेगी। खेल मंत्री अशोक चांदना ने यह भी कहा है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी भी सत्ताधारी पार्टी के दौरान यदि कोई चुनाव होते हैं, उपचुनाव होते हैं, तो ऐसे में विपक्ष की जो पार्टी है वही जीत हासिल करती है, लेकिन राजस्थान में 6 सीटों पर हुए उपचुनाव का उन्होंने उदाहरण दिया और उनका यह कहना था कि 6 में से 5 में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। ठीक है, शुक्रिया ललित तमाम जानकारी के लिए। चलिए फटाफट अंदाज में 2 मिनट में सिटी टॉप 10।